Hello class, how are you? Hope all of you are fine. Today is your Hindi class. So class nursery, सभी बच्चे अपने अक्षर लेखन की बुक को निकालें और पेज नंबर 6 को खोलें. 6 पेज नंबर को ओपन करें. आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे? छोटी ई. इसको हम क्या बोलते हैं? छोटी ई. छोटी ई से क्या होती है? इमली होती है. छोटी से क्या होती है? इमली होती है. ओके, आज इसको हम आज मैं आपको ई बनाना सिखाऊंगी. पिछले क्लास में मैम ने आपको आज तक बनाना सिखाया था. आज मैं आपको ई बनाना सिखाऊंगी. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले क्या करोगे? एक स्टैंडिंग लाइन, जिसको हम खड़ी लाइन बोलते हैं. फिर इस पॉइंट को पकड़ के हल्का सा आपको क्या करना है? कर्व लाइन देना है. ओके, यहां तक आपका आधा बन गया. फिर इस पॉइंट को पकड़ के पीछे की ओर कर्व करना है. ओके, हमने कर्व लाइन कौन कौन सा पढ़ा? ऐसे पढ़ा है, ऐसे पढ़ा है, हमने कर्व लाइन ऐसे ही पढ़ा है. ठीक है, फिर हमने कर्व लाइन ऐसे दिया. फिर इस पॉइंट को पिक करके उठा के फिर नीचे की तरफ लाइन ले जानी है. हल्का सा यहाँ पे कर्व करके बेंड करके लाइन को फिर नीचे की ओर ले जानी है और ऊपर में स्लीपिंग लाइन बनानी है. तो ये हमारा क्या बन गया? ई बन गया. ओके, फिर से हम इसको रिपीट करेंगे. ओके, पहले खड़ी लंबी लाइन बना लिया, फिर हमने कर्व लाइन बनाया. ओके, फिर इस कर्व लाइन के पॉइंट को हमने पकड़ के पीछे की ओर कर्व लाइन बनाया. ओके, देन आपने ऊपर की ओर ले जाके फिर नीचे की ओर उस लाइन को गिरा देनी है. ओके, और ये ऊपर में स्टैंड आपकी स्लीपिंग लाइन, ये क्या हो गई? छोटी ई. छोटी ई से हमारी क्या होती है? इमली होती है, इमारत होती है, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष होती है. ओके, लेकिन अभी हम क्या पढ़ेंगे? इसे इमली पढ़ रहे हैं. छोटी इसे क्या होती है? इमली होती है. अब सब बच्चे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एक लाइन हमने दे दी. ओके, ये पहला स्टेप है. सेकेंड स्टेप क्या है? इस लाइन के साथ हमने हाफ कर्व दे दिया. ओके, ये क्या है? सेकेंड लाइन है, सेकेंड स्टेप है. देन आफ्टर फर्स्ट और सेकेंड स्टेप का हमारा थर्ड स्टेप क्या है? इस कर्व लाइन का पॉइंट पकड़ के, बिंदु पकड़ के फिर पीछे की ओर कर्व लाइन ले जाना है. ठीक है, देन आफ्टर जब थ्री स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तो फिर यहाँ से हम इस पॉइंट को लेके ऊपर उठानी और नीचे की ओर लेके जानी है. ओके, एंड ऊपर में स्लीपिंग लाइन देनी है. आपका ये छोटी ई बन जाएगा. फर्स्ट स्टेप ये है आपका, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप एंड फाइव स्टेप आपका छोटी ई की बन जाएगी. ओके, आप पॉइंट वाइज ऐसे बनाओगे अपने अपने कॉपी में. पहले आप लोग इसको राइट डाउन कर लो, फिर अपने अपनी कॉपी में सबको इसको बनानी है. ओके, जिन बच्चों ने बुक नहीं ली है वो बच्चे अपनी कॉपी में बनाएं गार्जियन की हेल्प से. ओके, आप अपनी कॉपी में गार्जियन बनाएंगे, पॉइंट देंगे, बिंदु देंगे. ओके, ऐसे करके बिंदु बना के देंगे आप. ओके, ऐसे करके आपको गार्जियन बना के देंगे ई कॉपी में. आप लोग डॉट से डॉट, बिंदु से बिंदु का मिलान कीजिएगा. इस डॉट से इस डॉट के पास जाइएगा, फिर इस डॉट को का पकड़ के इसको मिलान करके साइड बिंदु को मिलान करके ई बनानी है. ओके, होमवर्क आप लोग बना लीजिएगा. दो पेज राइट, ये ई आप लोग को लिखनी है कॉपी में. गृह कार्य,
मीन्स होमवर्क। हिंदी में होमवर्क को क्या बोलते हैं? गृह कार्य। ठीक है, दो पेज, छोटी ई लिखें। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? दो पेज अपनी हिंदी की होमवर्क की कॉपी में दो पेज ई लिखना है। ओके, दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू।